न्यूज आप तक पहुंचा दें। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, फरीदाबाद से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, ट्रक से 10 गौवंशों को रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर, गौरक्षकों की मदद से ट्रक को पकड़ा गया है। मौके से फरार हो गए हैं आरोपी, लेकिन 10 गौवंशों को रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी कामयाबी, बल्लभगढ़ से नू लेकर जा रहे थे गौवंश, गौवंशों को उपचार के लिए गौशाला भेजा गया है। राजा पटेल जब जानकारी के लिए संवाददाता फोन लाइन पर। राजा पटेल, पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10 गौवंशों को रेस्क्यू किया गया है, आरोपी भी पकड़ में नहीं है फिलहाल, ज्यादा जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे देश और पूरे हरियाणा में चुनाव का माहौल है, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है। तमाम फरीदाबाद की ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर जो कि मेवात के बॉर्डर या फिर होटल साइड के जितने भी गांव हैं उनके बॉर्डर लगते हैं, वहां पर पुलिस ने काफी मुस्तैदी कर रखी है। मैं आपको बता दूं कि बल्लमगढ़ NH2 हाईवे के पास सीगरी गांव से पहले झाड़छिटकी है, वहां पर नाका लगा रखा था पुलिस ने देर रात। जब वहां ये पिकअप गाड़ी पहुंची तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने रोक कर चेकिंग करने की कोशिश करी, पर ये पिकअप गाड़ी वहां नहीं रुकी, नाके को तोड़ते हुए आगे भागे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत इनके पीछे जिप्सी लगाई। जिप्सी लगा के आधे किलोमीटर तक इनको दौड़ाकर खदेड़कर किसी वहां के जो बगल में खेत है उनमें इनकी गाड़ी रुकवाकर जब इनकी गाड़ी की बारीकी से चला चेकिंग की गई तो उसमें जो गाय है वो जख्मी हालत में मिली। बताया ये जा रहा है कि ये गांव जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि मेवात की साइड से लाके कहीं और इन गायों को भेजा जा रहा था। जी फिलहाल अभी जो डॉक्टर फिलहाल जो अभी जो ड्राइवर्स वगैरह हैं वो फरार हैं, डॉक्टर की टीम मौके पर है, गायों का उपचार कर रही है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।